नमस्कार, स्वागत है आपका ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के इस लेक्चर सीरीज में। आज के इस लेक्चर में हम ट्रैफिक साइंस के बारे में पढ़ेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं ट्रैफिक साइंस से। ट्रैफिक तो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे प्राइमरी जो साइन है हमारा, उसको हम रेगुलेटरी साइन कहते हैं। रेगुलेटरी का मतलब ऐसे साइंस, ऐसे सिग्नल्स, ऐसे साइंस, एक्चुअली में ये साइन है, सिग्नल नहीं कहिए इसको, साइन कहिए, ऐसे साइंस जिनका सीधा मतलब है या तो वो बहुत ज़रूरी है या फिर कोई प्रतिबंधित जगह है वहाँ के साइंस, ठीक है, या मैंडेटरी साइंस, उनको हम रेगुलेटरी साइंस के टर्म्स में लिखते हैं। तीन नाम है एक ही साइन का, रेगुलेटरी, मैंडेटरी या प्रोहिबेटरी। तो रेगुलेटरी का मतलब ट्रैफिक को स्मूथ चलाने के लिए जो साइंस हो, या फिर जो ज़रूरी साइंस है, या फिर अगर कोई मनाही है तो उसके साइंस को हम लोग प्रोहिबिटरी साइंस कहते हैं। बेसिकली ये साइन बोर्ड्स की हम बात कर रहे हैं, तो साइन बोर्ड्स के दो इम्पोर्टेंट फैक्टर आ जाएंगे। एक तो इनका शेप, ठीक है, तो जनरली जो रेगुलेटरी साइंस होते हैं वो कैसे शेप के होते हैं, सर्कुलर, ठीक है। और दूसरा चीज़ है इनके ऊपर में कि इनकी जो राइटिंग्स होती है वो कैसी होती है, तो ये दोनों चीज़ें हम देखेंगे। लेकिन इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे प्राइमरी है दो तरह के साइंस, एक तो है स्टॉप और दूसरा है गिव वे। स्टॉप जो साइन है, आपने कई बार देखा होगा कि अब वहाँ पर रुक जाना है आपको, स्टॉप का मतलब तो यही होता है अब रुक जाना है। तो रुकने के लिए क्या करेंगे हम लोग, कोई जो साइन बोर्ड बना रहे हैं वो ऑक्टागोन शेप का बनाएंगे हम लोग। स्टॉप वाला जो हमारा साइन बोर्ड होगा वो ऑक्टागोन शेप का होगा, यानी आठ साइडेड वाला हमारा फिगर होगा ये, ठीक है, ये एट साइडेड का फिगर है। और साथ ही साथ इसकी तख्ती यानी कि इसका जो बोर्ड होगा वो देख लीजिए, रेड बैकग्राउंड है और अल्फाबेट जो हमने लिखा है वो वाइट से लिखा है, ठीक है, ये रेड बैकग्राउंड है ना, और अल्फाबेट वाइट कलर से हमने लिखा है, ठीक है। जबकि गिव वे का अलग है, गिव वे में ये एक इन्वर्टेड ट्रायंगल है। क्या है? इन्वर्टेड ट्रायंगल है, और इसकी राइटिंग ब्लैक की है और इसका बैकग्राउंड व्हाइट है। अब मैं इसको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये एक्सेप्शंस है, ये दो एक्सेप्शंस हैं। कौन कौन सा? एक स्टॉप साइन और एक गिव वे साइन। तो स्टॉप साइन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? ऑक्टागन, है ना, और बैकग्राउंड जो होगा रेड लेंगे और अल्फाबेट जो होगा वो व्हाइट लेते हैं हम लोग, ठीक है। बैकग्राउंड रेड, अल्फाबेट व्हाइट, और इसके में रेड हमारा बॉर्डर है, ठीक है, और व्हाइट बैकग्राउंड है, अल्फाबेट ब्लैक है, ठीक है। बाकी जितने भी साइंस होंगे रेगुलेटरी, उनके शेप्स आप देख लीजिए और उनका यही पैटर्न होगा। क्या पैटर्न होगा? एक तो शेप सर्कुलर है ना, ये ऊपर में मैंने बताया कि सारे में सर्कुलर होगा, दो छोड़ के, दो कौन कौन सा, एक स्टॉप और दूसरा गिव वे। स्टॉप का साइन जो होगा वो ऑक्टागोनल तख्ती पे होगा, गिव वे का इन्वर्टेड ट्रायंगल पे होगा। अब इसकी बैकग्राउंड हमारी वाइट होगी, ये गिव वे का भी वही था, और राइटिंग जो होगा वो ब्लैक का होगा, ये आपको याद रखना है, बॉर्डर रेड का है, रेड बॉर्डर, ठीक है, वाइट बैकग्राउंड और ब्लैक अल्फाबेट या राइटिंग, है ना। तो ये हो गया हमारा रेगुलेटरी साइन का। फिर आता है हमारा वार्निंग साइंस। देखिए वार्निंग साइंस बेसिकली आपको ये बताते हैं, जैसे कि आगे आपका शार्प टर्न है, ब्रेकर है, या रोड क्रॉसिंग है, स्कूल्स है आगे, ये सारी चीज़ों से आप पहले ही यूज़र को वार्न कर रहे हैं कि आगे इस तरह का सिचुएशन है, आप अपने स्पीड को, अपने ड्राइविंग को सही कर ले। तो इस तरह के सिचुएशन में जो हम लोग काम कर रहे हैं वो हमारा ट्रायंगुलर शेप पे कर रहे हैं, मतलब जो भी हमारा व्हीकल सॉरी जो नोटिस बोर्ड होगा वो हमारा ट्रायंगुलर शेप का होगा। याद रखिए इससे पहले जो हमने शेप पढ़ा था वो ट्रायंगुलर नहीं, इन्वर्टेड ट्रायंगल था, वो किसके लिए था? गिव वे के लिए था। तो वार्निंग साइन जो है उसका भी फॉर्मा सेम है, क्या है? रेड बॉर्डर है, रेड बॉर्डर है, व्हाइट बैकग्राउंड है और ब्लैक अल्फाबेट है, ठीक है, व्हाइट बैकग्राउंड है और ब्लैक अल्फाबेट है, बस शेप चेंज हो गया, ठीक
क्या शेप चेंज हो गया, ये ट्रायंगुलर हो गया। ठीक है, तो इतना ही हम लोगों को देखना था, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाना हम लोग को। फिर आता है एक इन्फॉर्मेटरी साइन। अब इन्फॉर्मेशन का मतलब है जैसे आगे जाके आपको रोहतक के लिए यहाँ मुड़ना है, ठीक है, नजफगढ़ के लिए सामने जाना है, नई दिल्ली के लिए लेफ्ट साइड टर्न लेना है, इस तरह का सिग्नल बोर्ड आपको जब दिखे, या फिर आगे हॉस्पिटल है या पेट्रोल पंप है या फिर जो भी इस तरह का साइन है, इसमें सबसे पहला बात तो ये है कि इसकी शेप फिक्स है कि ये रेक्टेंगुलर शेप की तख्ती पे बनेगा, मतलब एक रेक्टेंगुलर शेप का नोटिस बोर्ड होगा, ये फिक्स है। लेकिन इसमें कलर जो है ये फिक्स नहीं होता है, कलर इज नॉट फिक्स्ड। ठीक है, कलर फिक्स नहीं होता है इसमें, किसी भी कलर का बन सकता है, बस इंफॉर्मेशन देना इसका काम है। इसका एक रेगुलर पैटर्न है कि ये रेक्टेंगुलर शेप का होगा, लेकिन कलर के बारे में ये फिक्स नहीं है। जैसे मेडिकल का सिंबल तो इसी कलर में देंगे हम लोग, जनरली ऐसा ही देते हैं। नोटिस बोर्ड होगा तो जनरली ये दे देंगे, है ना। कई बार इसमें पूरे तख्ती को हम लोग ग्रीन या अल्फाबेट ग्रीन ले लेते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ों का कलर अभी फिक्स नहीं है। तो ये छोटा सा वीडियो था जिसमें हम लोगों ने बेसिक साइंस के बारे में पढ़ा। मैं एक बार और रिवाइज करा दूं आपको कि बेसिक साइंस जो है हमारे वो तीन भाग में बटे हैं। पहला है रेगुलेटरी, दूसरा है आपको ये, पहला रेगुलेटरी है, दूसरा आपका इन्फॉर्मेटरी, और एक और बचा आपका वार्निंग। ठीक है, रेगुलेटरी, इन्फॉर्मेटरी और वार्निंग साइंस। तो रेगुलेटरी में वैसे साइंस जो कि ट्रैफिक के मूवमेंट के लिए एसेंशियल है, मैंडेटरी है, ठीक है, और उसमें दो एक्सेप्शन आते हैं, एक स्टॉप आता है, दूसरा गिव वे आता है। स्टॉप की शेप ऑक्टागन की होती है, गिव वे की शेप इन्वर्टेड ट्रायंगल होता है। स्टॉप के डिजाइन की अगर हम बात करेंगे तो ये रेड बैकग्राउंड से होता है और वाइट राइटिंग होती है। इसका रीजन ये भी है ना, रेड एकमात्र ऐसा कलर जो दूर से दिखेगा आपको, तो पूरा बैकग्राउंड को रेड कर देंगे तो वो ज्यादा दूर से दिखेगा, तो इस वजह से उसकी बैकग्राउंड को ही रेड रखते हैं। बाकी जो भी इंफॉर्मेशनरी है या फिर वार्निंग है, सबके बैकग्राउंड को वाइट रखा है हमने, ठीक है। स्टॉप सिग्नल को दूर से दिखना चाहिए, इस वजह से उसके बैकग्राउंड को रेड रखा है, ये ऐसे आप याद कर सकते हैं। फिर गिव वे का सिग्नल को आप इन्वर्टेड ट्राइंगल पे बनाते हैं, ठीक है, और अल्फाबेट्स अगेन ब्लैक से रहेंगे और बैकग्राउंड आपका वाइट रहेगा, बॉर्डर आपका रेड रहेगा। सिमिलरली आपके वार्निंग साइन का भी सारा ऐसा ही आएगा, ठीक है। वार्निंग साइन में सारे ट्रायंगुलर शेप के होते हैं, रेगुलेटरी में सारे सर्कुलर, एक्सेप्ट ऑक्टागन और इन्वर्टेड ट्रायंगल है स्टॉप और गिव वे के लिए। बार बार बता रहा हूँ, वो दोनों एक्सेप्शन है, क्वेश्चन वहीं से बनेंगे आपके। वार्निंग साइन ट्रायंगुलर शेप का होता है, अल्फाबेट्स ब्लैक, बैकग्राउंड वाइट। फिर इन्फॉर्मेटरी साइन का कोई कलर नहीं होता है, लेकिन शेप फिक्स है, रेक्टेंगुलर शेप का होता है। तो चलिए, इस लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।